मामला कानपुर का है, जहां मदद के नाम पर बुजुर्गों और महिलाओं को एटीएम के अंदर गार्ड की वर्दी पहनकर आरोपी राम अवतार प्रजापति और अनिल यादव एटीएम कार्ड बदलकर भोली भाली जनता को शिकार बनाते थे। दरअसल दोनों आरोपियों ने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में बताया कि अभी तक सैकड़ों लोगों को वह अपना शिकार बना चुके हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 21 एटीएम कार्ड और 42,000 नकद बरामद किए हैं। आरोपी अनिल जौनपुर का रहने वाला है तो दूसरा आरोपी राम अवतार कानपुर के अरा थाना नौबस्ता का रहने वाला है। फिलहाल ADCP पश्चिम ब्रजेश श्रीवास्तव ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी राम अवतार गार्ड की वर्दी पहनकर एटीएम के बाहर खड़ा रहता था और उसका साथी अनिल यादव जो भी महिला या बुजुर्ग एटीएम के अंदर पैसा निकालने के लिए जाते उनसे अपना एटीएम कार्ड बदलकर दोनों आरोपी एटीएम से पैसे निकालकर लोगों को चूना लगाते थे।